गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो स्टूडेंट्स? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको वीडियोज वगैरह देखने में प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे होंगे। और जो भी मैंने वीडियोज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, आप लोग यूट्यूब चैनल पे इस प्रकार से नाम सर्च करके उस चैनल को आप लोग देखिएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये सब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई थी, ठीक है? तो YouTube चैनल पे ये वीडियो जिस पे आपको सभी चैप्टर्स के धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का वीडियो सभी मैंने अपलोड करा दिया है, आप लोग उसको रिवाइज करिए, अच्छी तरीके से देखिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हम लोग मोटिवेट भी हों कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को वीडियोज को देख भी रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके आइए। आज आप लोग पेज नंबर 253 निकालिएगा, आज आप लोग पेज नंबर 253 ओपन करिए, आज आप लोग पेज नंबर 253 ओपन करिए। शॉर्ट सर्किट, व्हेन द लाइफ वायर, कल हमने फ्यूज के बारे में बताया था। फ्यूज आखिरकार क्या होता है, क्या काम आता है? जब भी कभी ज़्यादा मात्रा में करंट, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है ना, ज़्यादा करंट आ जाता है ना, तो हमारे जो वायर होते हैं वो उसमें हीट ज़्यादा होने के कारण उसके मेल्ट कर जाते हैं और हीट हो जाते हैं और हीट होने के कारण तार स्पार्किंग करने लग जाते हैं और वायर हमारा जल जाता है। वही शॉर्ट सर्किट है कि व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इट बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस इन द सर्किट, इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, यानी ऊपर का जो उनका प्लास्टिक का लेयर है ना, जब वो हट जाए और एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी लघु पथन हो जाता है। द शॉर्ट सर्किट इज जनरली कॉज आइदर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर गेटिंग कनेक्टेड ऑन द अर्थ वायर। इसीलिए कोई भी जो वायर होता है ना उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर चढ़ी हुई रहती है ताकि वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आए। नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम्स। द इलेक्ट्रिक फायर्स ड्यू टू ओवरलोडिंग इट कैन बी प्रिवेंटेड By using simple device called fuse, underline करेगा। लेकिन एक समस्या बनी हुई है हमारे सामने, मान लो हमें क्या पता चलेगा कब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिल रही है, कब करंट हमारे घरों में ज़्यादा आ रहा है, हमारे सभी विद्युत उपकरण इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब होने की संभावना बनी रहेगी, हमारे महंगे महंगे टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ठीक है, बल्ब वगैरह, हमारे सभी फिटिंग सभी चीज़ें खराब हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में नहीं आए, जितनी ज़रूरत है उतनी आए, इनसे बचने के लिए एक डिवाइस होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका नाम है फ्यूज। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इज डिफाइनेशन नीचे दी गई है, अंडरलाइन करेगा। इट इज अ वीकेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, या विद्युत परिपथ का सबसे कमजोर भाग होता है। विच मेल्स एंड ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन द सर्किट गेट द ओवरलोडेड। जैसे ही अत्यधिक मात्रा में करंट आती है, ये ओवरलोडेड मात्रा में करंट आएगी, ये अपने आप ही मेल्ट कर जाएगा, वायर टूट जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना रुक जाएगी, समझे? ड्यू टू लार्ज करंट, अधिक मात्रा में करंट आने के कारण, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, यदि मान लो किसी रूम में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कोई चूहे ने तार कुतर दिए, तो उसी रूम की सिर्फ लाइट जाएगी, हर रूम की आपकी लाइट नहीं जाएगी। Due to fluctuations of current to power supply system exceed 5 ampere value, यदि 5 ampere value ज़्यादा करंट आ जाए तो इस प्रकार से ये एक्टिवेट हो जाता है, और ज़्यादा करंट आएगा, पतले पतले तार होते हैं, ब्रेक कर जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी आगे जाएगी नहीं और हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब होने से बच जाएंगे। द फ्यूज यूज इन ए पावर सर्किट ऑफ स्मॉल हाउस फॉर रनिंग इलेक्ट्रिक स्टोव एंड गीजर एंड ए इमर्सन हीटर हीटिंग पावर ऑफ 1000 volt इज 15 ampere कैपेसिटी। फ्यूज का उपयोग जहाँ हैवी अप्लायंस का उपयोग हम करते हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया ही जाता है, जैसे आपका गीजर हुआ, इलेक्ट्रिक स्टोव हुआ और आटा चक्की की मशीन हुई, आपकी वॉशिंग मशीन हुआ, ये सब हाई अप्लायंस है, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो यहाँ पर हमें फ्यूज लगाना पड़ता है, ठीक है, जिससे हमारे शॉर्ट सर्किट घरों में नहीं हो।
सम ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज दिस डे व्हेन एक्सपेंसिव हाईली सेंसिटिव वोल्टेज फ्लक्चुएशंस इट इज मोर करंट पास थ्रू देम दे कैन बी परमानेंटली डैमेज्ड टू प्रोटेक्ट सच अप्लायंस कार्टेज फ्यूज आर यूज्ड। आजकल ऐसे ऐसे अप्लायंस आ रहे हैं, आजकल जो विद्युत उपकरण आ रहे हैं उनमें अंदर ही फ्यूज लगा हुआ आता है ताकि यदि ज्यादा मात्रा में करंट आ भी जाए तो हमारा घरेलू उपकरण खराब नहीं हो। ओके स्टूडेंट्स, these fuse are fixed value depending upon the maximum tolerance circuit current, these are fixed within body of appliance, इनकी value fix होती है कितना current ये झेल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का topic हुआ, fuse का diagram भी दे रखा है, आपको fuse का diagram की practice भी करनी है। आगे मैं next video में आपको इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। So students, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, videos को देखिए, channel को subscribe भी आप लोग करिए। So thank you students, thank you for watching this video and attend this session।